पर जब नेहरू जी ने खड़ा किया था तो उनके कैंडिडेट थे कृपलानी जी और पुरुषोत्तम दास टंडन के वे विरुद्ध थे, इसके बावजूद पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए। तो भाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चाचा नेहरू इतने लोकप्रिय थे तो कैसे हो गया? और मैं उससे बड़ा उदाहरण दे देना चाहता हूँ, 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी और पट्टाभी रमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो आप ये समझिए कि पूरा देश को छोड़िए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आप लोगों की क्या बाइंडिंग फोर्स था और क्या स्ट्रेंथ था, बहुत साफ है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र राजपूत जी बोल गए कि 43 साल वो परिवार जेल में रहा। अरे जनाब 43 साल कहां से जेल में रहे? नेहरू जी 1919-20 के आसपास आके राजनीति ज्वाइन किए, 46 में तो प्रधानमंत्री बन गए 25 साल के बाद और 43 साल जेल में रह लिए। उसके बाद तो पूरा खानदान रूल ही करता रहा। ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री दिए इन्होंने, तीनों को भारत रत्न मिल गया और दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में बनी अपनी कमेटी से अपने को भारत रत्न दिलवाया। तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आता है। और अगर इतना बाइंडिंग फोर्स है तो नेहरू जी और महात्मा गांधी दोनों के कहने पर भी उनके समर्थित प्रत्याशी क्यों चुनाव हार गए थे, इसका मतलब बहुत साफ है। लेकिन 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 मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत, आप बड़े नाराज हो गए और आपने आपने कई तरह के प्रश्न खड़े कर दिए। आपका सम्मान है, आप हमारे मेहमान हैं तो आप कई तरह के सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं सर, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि कुछ पार्टीज बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली है, तो फिर आपत्ति क्यों हो जाती है? यही बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि मेरे को कृपा हुई सोनिया जी की और राहुल जी की और मैं अध्यक्ष बन गया। तीन चीजें बड़ी आवश्यक है। सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये झूठे सुधांशु त्रिवेदी हैं जी, और पढ़ लिख करके नहीं आते और इतिहास के मर्मज्ञ होने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कहा कि गांधी और नेहरू परिवार 43 साल जेल में रहा और गांधी और नेहरू परिवार में खाली जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी नहीं थे। सुधांशु जी पढ़ लिख करके आइए, रतन पंडित भी थे, कर्मला नेहरू भी थी और स्वरूप रानी नेहरू भी थी, तमाम लोग थे। सब मिलाकर के गांधी परिवार का पूरा परिवार नेहरू गांधी 43 साल जेल में रहा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रमाण भेज दूंगा, राजनीति छोड़ दीजिए। नंबर एक, आप हमेशा इतिहास को गलत तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। दूसरी बात, अभी आपने नरेंद्र मोदी जी वाली और अमीश भाई आपसे कहा आपकी मैं नाराज, मैं आपसे नहीं, आप मेरे मित्र हो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं आपसे। आपने जो सेलेक्ट की बात करी, मेरी बात उस पर मेरा आपत्ति थी। सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट हुए हैं। हाँ, नेहरू गांधी परिवार का सहयोग था, क्यों नहीं था? और तीसरी बात, बिल्कुल कह रहे हैं सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का था, वो कह रहे हैं सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का था, यानी अगर 70% सहयोग उनका था तो 30% बाकी लोगों का। हम तो मान रहे हैं कि है, हम तो पूरी तरीके, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मान रहे हैं कि आज तक इन्होंने एक भी अध्यक्ष, ठीक है, सुधांशु जी की बात करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बड़ा बयान दे दिया है कि मोदी सरकार तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाना चाहती है, जेल में डालना चाहती है, मारना चाहती है। यह बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स, बड़ी खबर इस समय की, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के शासन पर बड़ा निशाना है और विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है भारतीय जनता पार्टी, झूठे केस दर्ज कर रही है भारतीय जनता पार्टी और हर हाल में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी भारतीय जनता पार्टी। और एनडीए पे भी निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि कांग्रेस हर हाल में वापस आएगी 24 के अंदर। इस समय की यह बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा रुख करता हूं, झूठे केस दर्ज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के, मैं आम आदमी पार्टी का पहला रिएक्शन लेता हूं, आपका रिएक्शन कुलदीप कुमार इस विषय के ऊपर, बड़ा पॉइंट है ये। देखिए अमीश भाई, इस बात में तो कोई दोहराए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों को जेल में डालना चाहती है, चाहे वो ईडी के माध्यम से, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से, वो किसी भी तरह विपक्ष को खत्म करना चाहती है। और ये आप देख भी रहे हो कि जितनी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो सब आज उनको ईडी के केस में फंसा के, झूठे सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया जी आज जेल के अंदर हैं, जैन साहब जेल के अंदर हैं, बहुत सारे और कांग्रेस के और अन्य पार्टी के नेता जेल के अंदर, क्योंकि ईडी और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर ईडी और सीबीआई के जेल भेजने में। देखिए मैंने क्या कहा,
मैंने कहा ईडी और सीबीआई के दम पे बीजेपी सरकार चलाना चाहती है, पहली बात ये। दूसरी बात आपने कहा इलेक्ट्री सिलेक्टेड की बात करें, अरे आप क्या इलेक्ट्री सिलेक्टेड की बात कर रहे हो? आप ये देखिए इस देश के प्रधानमंत्री ईडीआई के ईडी के डायरेक्टर को आगे कार्यकाल बढ़ाने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट की बात बढ़ा रहे आज जो कमेटी जो सीजीआई जो कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनती थी उस कमेटी से आज सीजीआई का नाम हटा दिया गया। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी इतिहास बताते बताते अपने गांधी परिवार के नाते रिश्तेदारों के नाम बताने लगे, यानी अब कांग्रेस पार्टी परिवार नहीं थी, सिर्फ परिवार परिवार था। तो फिर ये भी बता दीजिए वो लोग किन किन पदों पे थे, यानी आधा दर्जन भर लोग पदों पे बैठे हुए थे ना, तो ये तो स्वीकार कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है आपने स्वीकार किया कि आप परिवारवाद से ही पार्टी चला रहे थे, इसीलिए दर्जन भर लोग यहाँ पर एक और बात बीजेपी तो खुद परिवार में डूबी हुई है, गर्व है परिवार का, शांति से रहिए, आप लोग निर्बल से हो इसलिए आपको गर्व। अब एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जो ये कहती थी कि आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए, वो आज कहते हैं कि अगर जेल भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बावजूद हम ईमानदार हैं और क्या कहते थे और क्या करते हैं वो आज जमीन आसमान का अंतर दोनों में दिखाई पड़ता है। मैं भी कह रहा हूँ अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी छोटे अगर देश सेवा करने के लिए देश को बचाने के लिए संविधान को बचाने के लिए जेल जाना पड़ेगा तो देश सेवा में जेल नहीं गए, शराब घोटाले में जेल गए, आपके नेता देश प्रेम में जेल नहीं गए, शराब शराब के घोटाले में जेल गए हैं, जिसको कांग्रेस भी कह रही है कि जायज है, शराब का घोटाला हुआ है, शराब का घोटाला हुआ है, कांग्रेस भी कह रही है इस बात को जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हैं, तो कोई देश प्रेम में नहीं जो जेल गए, तो इसलिए भगत सिंह से कंपैरिजन करना कम से कम बंद करिए। इस पूरे मामले में शराब के मामले में जेल गए, बिल्कुल शराब का घोटाला हुआ है, कोर्ट ने बेल नहीं दिया, अगर मेडिकल ग्राउंड पे बेल दिया तो मेडिकल ग्राउंड देने में जेल गए वो लोग,